Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's me Nazia Sheikh and you're watching Shades of Nazia Islami. So guys, आज हम बनाने वाले हैं रावस जो कि है. So बढ़ते हैं आगे रेसिपी की तरफ. So इसे मैंने 3 दफा धो के ले लिया है. आपको भी धो लेना है, इसको साफ कर लेना है एकदम. एंड देन मैंने इसको अभी नमक लगा के रखा हुआ है थोड़े देर के लिए. आप भी सेम कीजिएगा. गाइज, अभी इसमें मैंने थोड़ा सा कोकम ले लिया हुआ है. सो इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे एंड मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, लगा लेंगे अच्छे से. देख सकते हो अभी कितने अच्छे से कोकम लग चुका है. अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ले लेंगे चावल का आटा एंड अभी हम ले लेंगे ये लाल मिर्च पाउडर. इन दोनों को हमने इस तरह मिक्स कर लिया है अच्छे से. अभी हमें इसे डिप करके ले लेना है इसमें अच्छे से. सभी पीसेस के साथ हमें ऐसे ही करना है, 3-4-5 जितने भी है. गाइज, आप देख सकते हो सब पे हमने लगा लिया है मसाला एंड आटा. गाइज, अभी हमने रख दिया है पैन गर्म होने के लिए. आप तवे पे भी कर सकते हो, पैन में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. अभी हम ऐड करेंगे ऑयल. गाइज, आपको ऐसे तेल में इस फिश को ऐसे डाल लेना है एंड अच्छे से फ्राई करके लेना है 10-15 मिनट्स तक ही, उससे ज़्यादा नहीं, जब तक वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. सो यू गाइस कैन सी कितना यम लग रहा है एंड खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा. आपको इसको ऐसे पलटते भी रहना है. नाइसली सो गाइज, अभी रेडी हो चुका है एंड वी आर रेडी टू सर्व. देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह. ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे सेक्शन में बताइए कि आपको इस रेसिपी कितनी हेल्पफुल लगी. आई विल बी कैचिंग यू सुपर सून इन माय अनदर वीडियो. अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, लव लव, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. बाय.